नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसके बाद से जो है अब यात्रियों को नॉन वेज खाना मिलने वाला है। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा, साथ ही साथ कई तरह की योजनाओं पर भी काम करता रहा है। ऐसे में रेलवे ने एक और बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसके तहत बताया है कि अब ट्रेन में खाने को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया गया है। हालांकि रेलवे ने यह नियम सभी ट्रेनों के लिए लागू नहीं किया है, बल्कि एक खास ट्रेन के लिए अभी लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस मुहिम के तहत कई ट्रेनों का नाम जोड़ा जा सकता है। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दिल्ली कटरा वंदे भारत ट्रेन में अब नॉनवेज खाने और ले जाने को पूरी तरीके से मनाही कर दी गई है। बता दें कि इस ट्रेन को पूरी तरीके से सात्विक सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि यह ट्रेन पूरी तरीके से हाइजेनिक और वेजिटेरियन होगी। बता दें कि भारतीय रेलवे ने इस तरह की ट्रेनों की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत ट्रेनों में खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और सात्विक काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बीच में इसके तहत पहले ही समझौता हो चुका है। आपको बता दें कि यात्री अपनी तरफ से भी इस ट्रेन में नॉनवेज खाना ही लेकर जा सकेंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो IRCTC ने वंदे भारत को सात्विक ट्रेन बनाने की शुरुआत कर दी है। रेलवे के अनुसार धीरे धीरे धार्मिक स्थलों पर जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। दरअसल इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक यात्रा पर जा रहे होते हैं और पूरी तरीके से सात्विक खाना पसंद करते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा। ट्रेनों में मिलने वाले खाने को लेकर यात्रियों के मन में एक शंका जरूर होती है कि यह सही है या नहीं है, यानी कि यात्रियों के मन में यह शंका होती है कि वेजिटेरियन खाना सही से बना है या नहीं, यानी कि एक ही सामान को दोनों तरीके से तो नहीं बनाया गया। इस तरह की भ्रांतियाँ जो है वेजिटेरियन खाने वाले यात्री जो होते हैं उनके मन में जरूर रहता है। ऐसे में यात्री ट्रेनों में खाना खाने से परहेज करते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी वेंडर जो है आपके पास खाना लेकर आता है तो उसके पास दोनों खाने होते हैं, एक तो वेज दूसरा नॉन वेज। ऐसे में जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं या फिर जो धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे होते हैं, धार्मिक कार्य के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें जो है खाने पीने में थोड़ी समस्या का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है। रेलवे ने जो है इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन को जो है पूरी तरीके से वेजिटेरियन यानी कि सात्विक सर्टिफिकेट ट्रेन बनाने का फैसला किया है। अब जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर धार्मिक स्थल तक जाने वाली ट्रेनों में पूरी तरीके से शाकाहारी खाना मिलेगा। साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा के दौरान शाकाहारी खाने का ही इस्तेमाल करें। शाकाहारी यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस तरह की शुरुआत किया है। ट्रेनों को सात्विक करने को लेकर बोलते हुए सात्विक काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के फाउंडर अभिषेक बिस्वा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में सात्विक का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत खाने वाले और बनाने वालों के विधि और किचन परोसने और सर्व करने वाले के बर्तन रख रखाव की जांच की जाएगी, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन को यह सर्टिफिकेट मिल गया है। यानी कि इस तरह के सर्टिफिकेट पाने के लिए ट्रेनों में सर्वे होगा, जिसके बाद से जो है यह पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि भारत सरकार आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली और भी इसी तरह की ट्रेनों में भी इस तरह की सुविधा बहाल कर सकती है। वंदे भारत ट्रेन में जो है जो कि कटरा से दिल्ली और दिल्ली से कटरा आती और जाती है, उसमें जो है फिलहाल जो है प्योर जो है आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा, उसमें नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि जितने भी धार्मिक स्थलों पर जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें भी इस तरह की वेजिटेरियन यानी कि सात्विक ट्रेन बनाने की प्रक्रिया बहाल की जा सकती है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त, धन्यवाद।